खबर बेतिया बिहार से, जहां 26 दिन से आतंक मचाया हुआ आदमखोर बाघ का आज अंत हुआ। आपको बता दें कि रामनगर प्रखंड के डुमरी गांव के स्थानीय निवासी 38 वर्षीय संजय महतो को 7 अक्टूबर को अपना शिकार बना लिया था। बीते कुछ दिन बाद आदमखोर बाघ ने एक ही परिवार की माँ बेटी को भी अपना शिकार बना लिया था। इसके चलते आस पड़ोस के सभी इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ था। इस आदमखोर बाघ को जिंदा पकड़ने के लिए काफी दिन से प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दिन प्रतिदिन अपना ठिकाना बदलते रहने के कारण वनकर्मियों को बाघ को जिंदा पकड़ने में असफल रहने के कारण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने आदमखोर बाघ को मारने का आदेश दिया। 400 बल कर्मियों के असफल रहने के बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट शूटरों की टीम को तैनात किया गया, जो कि एसटीएफ के टीम ने काफी मशक्कत के बाद आदमखोर बाघ को मार गिराया। आपको बता दें कि बाघ ने अभी तक 10 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 9 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। वहीं आज एसटीएफ की टीम के द्वारा इसका अंत किया गया। बेतिया बिहार से जयप्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।